नमस्कार। कर्पूरी देवी मेरी चाची थी और हाल के ही वर्षों में, खासकर जब मेरे बाद के नई पीढ़ी के लोग जब उन्हें चाची दाई से सम्मुख कहकर बुलाने लगे, तो मुझे ये संबोधन बहुत ही आदर सूचक और अच्छा लगा और मैं भी तब से उन्हें चाची दाई ही कहकर बुलाने लगा और मुझे भी ये चाची दाई कहने में बहुत बहुत ही आनंद आता है। और चाची दाई के प्रथम, इसीलिए मैं इस परिचर्चा में कर्पूरी देवी ना कहकर चाची दाई ही करके संबोधित करूंगा। चाची दाई के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनके बारे में चर्चा करने का एक उचित कलात्मक प्रयास है और यही वजह है कि मुझे भी उनको याद करने का अवसर मिला है। मिड 60s में जब भास्कर कुलकर्णी राठी आए तो महासुंदरी देवी के साथ परिवार के सभी महिलाओं को उन्होंने चित्र बनाने को कहा और सभी महिलाओं ने चित्र बनाना शुरू कर दिया और इसी तरह से चाची दाई ने भी चित्र बनाना शुरू किया और कुलकर्णी ने सबों से केवल पारंपरिक कला बनाने को कहा क्योंकि इससे वे सभी लोग परिचित थे और ये यही कला उनके लिए कुछ रोजगार सुनिश्चित कर सकता था। इसीलिए उनका जोर पारंपरिक कला पर था और इसीलिए उन्होंने सभी महिलाओं से पारंपरिक कला ही बनाने को कहा। तो इस दरमियान कोबर और कई प्रकार के अरिपन जो सभी महिलाएं जानती भी थी तो उनके बीच में यह प्रमुख विषय का स्थान ले लिया और इन्हीं विषयों को, कोबर और अन्य कई अरिपनों को, बार बार बनाते रहे और इस तरह से चाची दाई ने भी बनाया और इस तरह से एक दशक तक बनाते बनाते उन्हें एक उपयुक्त दक्षता हासिल हो गया। चित्र बनाने में उन्हें काफी उनके लिए आसान हो गया क्योंकि ये सब, ये कोबर और ये सारे अरिपन उन लोगों के कल्चरल लाइफ का हिस्सा था, उनके पारंपरिक लाइफ का हिस्सा था। इन्हीं विषयों को बार बार बनाकर उन्हें काफी अच्छा भी लगता था और पैसा भी कमा लेते थे और इसी तरह से मिथिला संस्कृति को वह चित्र समझने लगी और परंपरा ही उनके लिए मुख्य प्रेरणा का स्रोत बन गया। लेकिन वह विषय जिसे वह लंबे अरसे तक बनाती रही और बहुत ही पैसा भी कमाया, इस अर्थ में वह विषय था उनके लिए गणेश और राधा कृष्ण, क्योंकि ये दोनों गणेश और राधा कृष्ण जब भी वे बनाती थी तो ये बिक जाता था, तो उनके लिए यह बहुत बहुत ही शुभ साबित हुआ और गणेश और राधा कृष्ण उन्होंने बहुत बार बनाया, बहुत लंबे समय तक बनाया और यह उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद उनका दूसरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ वाइल्ड लाइफ सीन, जिसमें जंगल का दृश्य होता था और जंगल के सभी जानवर होते थे, तो यह देखने में एक बहुत सहज अच्छा लगता था और अभिव्यक्ति सहज इसीलिए लगता था क्योंकि इसमें कोई देवी देवता नहीं होता था और जंगल के परिवेश में जितने भी जानवर होते थे सबको वो बहुत अच्छी तरह से एक लयबद्धता में रखकर पेश करती थी, तो यह भी उनका प्रिय विषय हो गया और ये बिका भी बहुत ज्यादा, ये बार बार लोग पसंद करते थे, इसका ऑर्डर देते थे। इस तरह से ये इस विषय को राधा कृष्ण और गणेश के साथ बार बार बनाती रही और ऐसा हुआ कि सभी सरकारी कार्यक्रमों में वो भाग लेकर अपने कला को प्रदर्शन भी करती रही और इस तरह से वो अपने कला का प्रचार प्रसार भी करती रही। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि भारत के जितने भी मशहूर शहर थे जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और बेंगलुरु,
सभी जगहों पर जाकर उन्हें अपना अपने कला को प्रदर्शन करने का बहुत पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ और इस तरह से उनका कला भी कला की यात्रा भी काफी सुदृढ़ होता गया, उनका काम भी अच्छा होने लगा और उन्हें पहचान भी मिलने लगा, लोग जानने लगे। और इसी तरह से अपने समय के अपने समय के सफल कलाकारों की सूची में उनका भी नाम शामिल हो गया। तो ये चाची दाई का है एक कलाकार के रूप में यात्रा कि कैसे उन्होंने शुरुआत किया और किस तरह से वो बनाती रही और एक अपना स्थान बनाया उन्होंने महिला कलाकारों के बीच। उसके बाद चाची दाई के जीवन में सबसे सुनहरा मौका तब आया जब जापान के हासेगावा ने उन्हें जापान आकर चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया। यह बहुत ही अच्छा अवसर था उनके लिए कलाकार के तौर पर, क्योंकि वहां जाने का अवसर उन्हें सिर्फ एक बार नहीं मिला, 9 बार मिला, जो अपने आप में एक मिसाल है। और वहां जाकर वह जो उन्होंने परंपरा से सीखा था, जो वो बार बार वाइल्ड लाइफ बनाती थी या जो भी बनाती थी, कलश बनाती थी या जो अन्य भी विषय बनाती थी, तो इन सब विषयों को उकेरने का उन्हें एक सही बैकग्राउंड मिला, सही टूल्स मिले और सही माहौल भी मिला, सही इन्वायरमेंट मिला। तो इन सभी फैक्टर से एक कलाकार की अभिव्यक्ति सुदृढ़ हो जाती है और निखरने लगती है। और इस तरह और यह चाची दाई के साथ भी हुआ। तो बतौर कलाकार के रूप में वो जापान में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा काम किया और अपने इस अनुभव से और इस रेजिडेंसी प्रोग्राम से वो बहुत खुश थी, क्योंकि जापान 9 बार जाना अपने आप में एक मिसाल है। तो इस तरह से चाची दाई का जो कलाकार का जीवन था वो सतत बढ़ता रहा, चलता रहा, वो काम करते रहे। वो सारा दिन अपने घर में, उनका घर जो बड़ा सा कमरा है वो उनके लिए स्टूडियो था, उसमें ढेर सारी महिलाएं बैठती थी और सबको लेकर बैठना, सबको काम के लिए प्रेरित करना, सबको उत्साह बढ़ाना, जैसे वो कहती थी कि कुछ काम करो, कुछ रोजगार हो जाए, ये उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और इससे क्या होता था कि उन्हें उनके पास जो एक व्यस्तता होती थी कला के जरिए, ट्रेडिशन के जरिए, रोजमर्रा के जरिए, वो बहुत ही आनंददायक और बहुत ही सहज था। तो इस तरह से चाची दाई ने भी बहुत अच्छी तरह से अपने कलाकार के जीवन को निर्वाह किया। इसी क्रम में उन्हें 2 बार अमेरिका जाने का मौका मिला, 1 बार फ्रांस जाने का मिला और इन सभी जगहों पर जाकर उन्होंने अपने कला का प्रदर्शन किया, काफी प्रशंसा मिली और वो काफी प्रसन्न होकर वहां से लौटे। वो बार बार कहती थी कि मुझे 9 बार जापान जाने का मौका मिला, मुझे 2 बार अमेरिका, तो उससे वो काफी खुश थी। और ये उनके आर्टिस्टिक करियर का सबसे अच्छा फेज था जिसमें उन्हें बाहर जाने का बहुत सारा मौका मिला और वह बहुत ही अच्छी तरह से अपने कला को वहां पर प्रदर्शन किया। उस तरह से चाची दाई का करियर एक आर्टिस्ट के तौर पे अच्छा था। सृजनी कला की वह एकमात्र कलाकार थी और सरकार ने उन्हें मेरिट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया था, क्योंकि सृजनी कला कोई करता नहीं था, बस उन्होंने ही उस कला को जहां तक वो ले जा सकती थी या जो कुछ भी किया सिर्फ उन्होंने ही किया। अब मैं चाची दाई के चरित्र का अहम पक्ष के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। उनका वह पक्ष है मेरे ख्याल से ओपन माइंडेडनेस, फ्रेंडली माइंडसेट, मित्रवत मानसिकता। वह मेरे पिताजी की भी फ्रेंड थी और मेरी भी थी। इसी तरह का खुलापन की वजह से वह महिलाओं में भी बहुत लोकप्रिय थी, महिला भी उसे बहुत पसंद करते थे, सभी वर्ग के लोग पसंद करते थे और उस समय में इस तरह का खुलापन महिलाओं में नहीं के बराबर देखा जाता था। तो यह उसके कैरेक्टर का यह एक यूनिक क्वालिटी है जिसके वजह से वो सबको अच्छा लगती थी, सबको हंसाती थी, सबको बिठा बिठा कर काम काज की बात करती थी, सबको अपने आह्लाद से, प्यार से, स्नेह से
आच्छादित करके रखती थी। इस वजह से चाची दाई सभी वर्गों के लोगों में प्रिय रही, गरीब लोगों में भी बहुत प्रिय रही, दलित लोगों में भी प्रिय रही, साधु हो या भिखारी हो या कोई भी पड़ोस का गरीब आदमी हो, उन्हें जब कभी भी कुछ पैसे की या कुछ अनाज का जरूरत होता था वो चाची दाई के पास आते थे, और जब वो मांगते थे तो वो हमेशा उन लोगों को देती थी, वो कभी किसी को ना नहीं बोलती थी, क्योंकि देना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। कुछ भी उनसे मांगे जो वो दे सकती थी तो वो सहर्ष देती थी, उनका दिल भर जाता था, और अपने इस बेनिवोलेंस से, उदारता से वो बहुत अच्छी लगती थी, वो सबको अच्छी लगती थी। और इस तरह के जो गुण हैं उस समय के महिलाओं में कम देखा जाता था। ये चाची दाई का विशेष गुण है, विशेष पहलू है। फिल्म मेकर प्रवीण कुमार भी उसके इसी स्नेहपूर्ण स्वभाव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म द एसेटिक आई में उन्हें एक मिथिला चित्रकार के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। चाची दाई अक्सर युवा पीढ़ी के लड़कियों और महिलाओं से घिरी रहती थी, और सबके साथ मिलकर जो परंपरागत सिलाई कढ़ाई या अन्य भी जो परंपरा के शिल्प थे वो सबका वो अभ्यास करती थी और सभी नई लड़कियों को बताती रहती थी। तो उसके अंदर एक सहज सौहार्दपूर्ण या उत्साहपूर्ण तरीका था नई पीढ़ियों को प्रभावित करने का, कि कुछ करते रहो, कुछ अच्छा बनाते रहो, तो यह उसके साथ शुरू से था। तो जब चाची दाई को घर के कामकाज के लिए किसी की जरूरत हुई तो उसने दुलारी देवी को चुना, और दुलारी देवी को घर के कामकाज के बहाने बुलाया और उसे बहुत प्रेरित किया कि तुम चित्र बनाओ, उसे कागज दिया, उसे बनाने का ढंग बताया, रंग दिया, सब कुछ दिया। इस तरह से उन्होंने दुलारी को इतना प्रेरित किया कि दुलारी देवी के अंदर सहज एक इच्छा जग गई। दुलारी देवी सहज प्रेरित हुई कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, और वो बनाती गई। और जो चाची दाई का फेवरेट विषय था गणेश और राधा कृष्ण, उसका भी हो गया, इन दोनों विषयों को उन्होंने भी बहुत बनाया, उनको भी काफी सफलता हुई, क्योंकि ये दोनों चित्र पहले ही से चाची दाई ने बेचकर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था अपने लिए। इन दोनों चित्रों को चाची दाई के आर्टिस्टिक करियर से जोड़ा जाता था, और बाद में यही विषय उनका भी महत्वपूर्ण विषय बन गया। तो इस तरह से दुलारी देवी चाची दाई के साथ, चाची दाई का बड़ा सा कमरा जो एक अत्यंत ही अच्छा स्टूडियो स्पेस है, काम करने लगी, और वह कला के सभी गुणों को सीखने लगी, कला की बारीकियों को समझने लगी, और उन्होंने अपना शैली डेवलप किया। तो इस तरह से वो चाची दाई के उदारता का, कंपैशन का एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है कि आप किसी को घर बुलाएं और कुछ सिखाएं, ऐसा उस समय में बिल्कुल नहीं होता था, किसी ने भी ऐसा कोई पहल नहीं किया था। शब्दों में लोग बोलते थे, लेकिन वस्तुतः एक स्पेस देना, मोटिवेट करना और सब कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड करना, और फिर उसका उसके करियर बनाने में जो भी जरूरत की बातें हो, इस तरह से किसी को प्रमोट करना, यह काम सिर्फ चाची दाई ने किया था। यह चाची दाई का पक्ष बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही उन्हें एक यूनिक व्यक्ति और अच्छा कलाकार बना देता है। हम अब उस पक्ष पे आते हैं जो पक्ष मेरा भी बहुत प्रिय रहा है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है कि चाची दाई का दुलार और प्रशंसा मेरे ऊपर भी उसी तरह से मुझे भी मिलता था जैसे और लोगों को मिलता था, और मुझे मेरी कला को वो किसी खास दर्जे में रखती थी। इसलिए जब कभी भी वो चित्र बनाती थी तो मुझसे आकर कहती थी, केहन मिले नीक मिले, अगर तू कह देवी तो हमारा विश्वास भर जाए। तो इस तरह का जो उसका स्वभाव था, सहज स्वभाव था कि कोई अहंकार नहीं, ये उसका यूनिक एस्पेक्ट था। वो ये सब में उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी कि हम दूसरे से जाकर नहीं सीखे या दूसरे से सलाह नहीं ले या दूसरे के साथ न काम करें। ये चाची दाई की एक खास विशेषता थी, और यही वजह है कि मेरे दिल में उनके लिए एक खास स्थान हमेशा रहेगा, और मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। अंत में चाची दाई को मेरा सत्स्नेह प्रणाम।
माँ के बारे में अगर आपको किसी से पूछना है तो रांटी में या और गांव है जैसे जितवारपुर है, सिमरी के तरफ है, उधर से भी आप कहीं से भी आप पूछ सकते हैं, तो माँ के बारे में वो लोग बताएंगी जो माँ किस मिजाज की थी, कैसा स्वभाव था उनका, कैसा नेचर था, लोगों को वो कितना हेल्प करती थी। मैं बेटी हूँ इसीलिए उसकी बड़ाई नहीं कर रही हूँ। गांव वाले और लोग जो माँ सबसे जो मिलते थे, जैसे बुआ देवी, गोदावरी दत्ता थी, भाभी भी थी, वो थी, ये सब जो माँ के साथ जापान गई थी तो बहुत उनके साथ अच्छा व्यवहार रहता था और गांव में भी बहुत अच्छा व्यवहार रहता था माँ को। माँ एक पठक टोली है वहाँ माँ सुजनी बहुत लोगों को सिखाए थी, क्योंकि वो उन लोगों को पेंटिंग नहीं आता था तो माँ हम वही थे। एक बार हम दिल्ली से गए थे तो माँ उन सबको चार पांच लेडीज को बिठा कर क्या माँ ने कहा जो तुम लोगों को तो पेंटिंग नहीं आता है तो तुम लोग दो पैसा कैसे कमाओगी, तो तुम ऐसा करो सुजनी बनाओ। तो उन्होंने कहा जो सुजनी तो मुझे आता नहीं है, तो माँ ने कहा जो नहीं हम तुमको धागा देंगे और सुई धागा सब कुछ देंगे, हम तुमको सिखाएंगे। यकीन नहीं करेंगे माँ अपने पास, हम 15 दिन वहां रहे मेरे पास बहुत ज्यादा माँ बैठती नहीं थी, कहती थी तुम ससुराल जाओ और फिर आओगी तो फिर मैं तुमसे बात करूंगी। और उन लोगों को कम से कम 50 लोगों को माँ ने मधुबन ये सुजनी सिखाया पठक टोली में। और आज वो लोग इतना बड़ाई कर रही है जो मैं बता नहीं सकती हूँ। इस बार हम गए थे सुजनी अपना छोटा छोटा बनवाना था तो वो कह रही थी अब हम लोग तो बेकल हो गए, अब तो हम लोग अनाथ हो गए, माँ नहीं है। तो हम कहे क्यों, तो माँ पहले सुजनी का काम देती थी तो उससे हमें अपना 2 पैसा हो जाता था, तो हम अपनी बेटी को बहू को कुछ कुछ उससे करते रहते थे, खुद भी खाली नहीं बैठी रहती थी। माँ को आज तक हम कभी ऐसे ही बैठे नहीं देखे, कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। जैसे पेंटिंग नहीं करेगी तो क्रोशिया का काम करेगी, अगर क्रोशिया का काम नहीं करेगी तो सुजनी का काम करेगी और दूसरों को भी कहेगी। कहे वो कहती थी और वो हमें भी कहती थी जो एक एक मिनट का जो टाइम है ये जो तुम्हारा चला जाएगा ये फिर वापस नहीं आएगा, इसको तुम महत्व दो इसको। तो वो भाभी सब है उन सब से भी कहती रहती है। एक हमारी हीरा बहन है वो माँ के बारे में कहती थी चाची, हमें चाची कहती थी, चाची हमें रात को कहती थी जो तुम पेंटिंग करो, दिन में तो तुम पढ़ने जाती हो स्कूल, रात में पेंटिंग करो। और आज वो कह रही थी एक दिन ऐसे ही फोन पे ही और बात होती है तो हीरा एक हमारी बहन है वो कह रही थी जो चाची ने ही हमें इतना पेंटिंग का सब कुछ सिखाया जो हम उससे इतना 2 पैसा कमाते हैं और अच्छा नाम है, अच्छा पेंटिंग भी बिक जाता है और बहुत ही सारा उस पे काम करती है माँ। और फिर एक विमला देवी हैं, उनकी बहू, इस बार हम उनके यहाँ गांव में गए थे तो वो भी कह रही थी बहू हो तो क्या हो गया, कोई बात नहीं तुम मेरे पास आओ और तुम पेंटिंग करो, पेंटिंग नहीं करती हो तो साड़ी पे तुम पेंटिंग बनाओ। और उससे सबको माँ कहती थी खाली कोई नहीं बैठो, हर हमेशा को जिसको जो चीज आता है आप वही करो। फिर माँ तो माही थी, जब मेरी बहुत छोटी सी उम्र में शादी हो गई, मैं 16 साल की थी तो शादी हो गई थी तो हम ससुराल गए तो माँ कहती थी जो नहीं ये बहुत सुंदर है उसको वहां नहीं रहने देंगे, काम करेगी बहुत गोरी है, हाथ काला हो जाएगा। तो माँ मुझे वहां से 1 साल जाने नहीं दी, यहीं बुला ली। फिर जानते हैं हम दिल्ली, मुझे माँ कहती थी नहीं ये कहते थे जो दिल्ली ले जाएंगे तो कहती नहीं नहीं दिल्ली इसको नहीं ले जाओ तुम, ये सुंदर है ये इसको कोई उठा करके ले जाएगा। और माँ कहती थी जो तुम कभी खाली नहीं बैठना, तुम कुछ ना कुछ अपना करते रहना। और भाभी सब हैं वो सब आपको किसी से भी आप पूछेंगे तो माँ के बारे में सब बताएगी जो किस तरह का नेचर था उसका,
बहुत हंसी मजाक को बहुत गीत बहुत गाना गाती थी, बहुत गीत गाती थी। तो हमने कहा एक दिन, माँ तुम पेंटिंग करती रहती हो, गाना गीत गाती रहती हो। और माँ को जैसे एक कथा, एक कहानी होता है, एक कथा होता है, माँ वो बहुत लिखती थी। मुझे भी बहुत सारा कथा उसने लिख करके दिया है। माँ को लिखने का, जैसे जापान माँ गई थी तो कहाँ गई, कहाँ पेंटिंग बिका उनका, कहाँ क्या हुआ, सब वो लिखती थी वो माँ। एक प्राती गाती थी, जब हमारा भाई आ गया दिल्ली पढ़ने के लिए तो माँ गाती थी, जनि करु राम वियोग है जानकी, जनि करु राम वियोग। पूरा तो नहीं आता है। और एक गाना माँ और गाती थी, वो कौन सा उतना तो बहुत याद नहीं है, मगर ये गाना माँ बहुत गाती रहती थी, जनि करु राम वियोग है जानकी, जनि करु राम वियोग। वो ज्यादा तो नहीं आता है वो जो गाना। और माँ का गीत लिखा हुआ बहुत सारा मेरे पास है, उन्होंने दिया है। माँ पूजा वगैरह में भी बहुत वो था। जब हम यहाँ से हम पटना गए थे, एक हमारी जैधी है देवर की लड़की, उसकी 17 तारीख को शादी था, तो फिर 18 को नहीं गए, 19 को हम गए। मुझे फोन है, मेरा भाई ने फोन किया, माँ दीदी माँ की तबीयत खराब हो गई। मुझे तो इतना घबराहट सा हो गया, माँ की तबीयत खराब हो गई, माँ आईसीयू में है। फिर हम वहाँ गए तो पूरी रात रास्ते रास्ते एकदम घबराहट सी हो रही थी, जो कुछ हो ना जाए वो। माँ मुझे 1 महीना पहले से फोन करती थी, जो बहुत सारे बातें करना है, तुम कब आओगे, एक एक दिन हम गिन रहे हैं, क्योंकि वो सुनती कम थी। तो वो क्या कहती थी, तुम बोलती जाओ तुम, फिर बाद में दूल्हा उसको बता देती थी या भाभी या कोई, जो ये ऐसे बोल रही है। फिर जब माँ हॉस्पिटल में थी तो 2-3 दिन माँ ठीक थी, तो उससे बात हम किए, माँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो कुछ बोल नहीं पाई। तब मुझसे बात कहाँ हुआ उसकी, बोल नहीं पाई, बस आंखों से पानी जा रहा था, आंखों से पानी जा रहा था। तो हम ये कहे, माँ बउआ आ रहा है हमारा भाई, तो बोली जो कब कब, बस मन इतना जोर से भी नहीं, बहुत धीरे से बोली जो कब कब। उसके बाद वो बात नहीं की। तो हम रोज हॉस्पिटल जाते थे, भाई सब कहते भी थे जो तुम नहीं जाओ रोज, तो हम कहे नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता। उतने देर तो हम उसको कम से कम बात नहीं करते, उसको देखते थे। और सारा क्या बताए, पुरानी बातें याद, माँ ने ऐसे कहा रहती, क्या उसके मन में था जो मुझे कह रही थी, जो तुम आओगी तो बहुत सारे बातें करेंगे। दूल्हा से हमने पूछा, दूल्हा माँ कुछ तुमको कह रही थी मेरे लिए, तो नहीं दीदी माँ तो कभी कुछ नहीं कह। भाभी से पूछा, भाभी कुछ कह रही थी माँ हमारे लिए, तो नहीं कुछ नहीं कह रही थी, क्योंकि माँ सब बात सबको नहीं बताती थी, कहती थी मुझे कहती थी जो बेटा से भी ज्यादा तुमको बेटी हो, तुम को हम मानते हैं, क्योंकि माँ कहती थी, माँ कहती थी। माँ को शादी के बाद 14 साल के बाद हम, तो माँ कहती थी जो तुमने हमारा बांझी पद छूट गया, हम इंसान हो गए, हमारे पिताजी को हमारी दादी ने शादी करने वाली थी।
तो हमारे पिताजी ने कहा जो नहीं, मुझे एक से संतान नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। शादी पहले जमाने में तो शादी कर देते थे ना, नहीं पिताजी किए। तो माँ कहती थी माँ कहती थी लोगों को 10 बच्चा होगा तो खुश होगा, हमारी एक ही बेटी है तो उसी में हम बहुत खुश हैं। बहुत स्नेह था माँ को, माने सबके बहुत बातें करती रहती थी, भाई के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, अच्छी चीज, सब तरह की बातें करती रहती थी। आखिरी में मुझे एक था, माँ कहती थी जो मुझे जो कभी तबीयत खराब होगा तो तुम मेरे पास आ जाना, माँ कहती थी। तो हम यहाँ हम सोच रहे थे अपने मन में, हम ये बताए नहीं किसी को, नहीं किसी को बताए, ये दुख तो अंदर वो चीज है जो हम सोच रहे थे जो माँ को यही ले आएंगे और दूल्हा से भी कहेंगे दूल्हा तुम भी चलो, अगर माँ तुम्हारे बिना दूल्हा के बिना नहीं माँ रहेगी तो तुम भी चलो। तो ये चीज तो अंदर एक चीज होता रहता है, जो माँ यहाँ रहती तो हो सकता है अब हम यहाँ से जाते हैं तब बातें करती है, क्या बात उसके मन में रह गया। फोन पे मुझे रोज एक महीना से बहुत सारे बातें करना है तुमसे, तुम्हें बहुत सारे बातें बतानी है, कौन सी बात था क्या था, इस चीज का तो मुझे बहुत अंदर तकलीफ रहता, अभी भी कभी कभी जैसे रोना सा आ जाता है, जो क्या बात थी जो मुझे वो बताने से, ये चीज तो मुझे दुख रहता है हरम अंदर, ये अब कभी भी अकेले बैठी रहती तो सोचती रहती हूँ जो थोड़े दिन और जी जाती तो हो सकता है क्या आखिरी टाइम में उनके मन में बात था जो बता नहीं पाए। ये होता है ना, देखिए बहू भी बहुत अच्छी होती है सब कुछ, मगर माँ को थोड़ा सा बेटी से ज्यादा रहता है और बेटी को सारी बात माँ बताती रहती है। बहू से भी बहुत माँ बातें करती थी, बेटा से, बहू से, सब से, बहुत खुश मिजाज की थी, इतने हंसी मजाक बता नहीं सकते। जहां वो जाती थी जैसे लगता था जो पूरा खुशी का माहौल हो गया, इतने हंसी मजाक, कितने हंसी मजाक करती रहती थी, बहू हो, बेटी हो, दियादनी हो, कोई भी हो, सबसे बहुत ज्यादा करती थी। माँ है इसीलिए मैं बहुत, माँ के उस तरह से हम बराई नहीं करते हैं, एक इंसान ऐसा होना माने धरती पे माने बहुत कम होता है। मैं भी सोचती रहती हूँ जो मैं भी उसी के जैसे रहूं, उसी के जैसे थोड़ा सा भी उसके जैसे स्वभाव हो जाए, नेचर हो जाए, अपने आप को कोशिश करती हूँ जो उसके जैसा थोड़ा सा बनूं, रहूं, खुश रहूं। बहुत को दुखी में भी वो खुशी रहती थी, इन चीज का जो मुझे हैरान था जो मैं बता नहीं सकती। और सबसे उसमें एक बात था जो जैसे बहू है, बहू कोई गलती कर लेगी, मान लीजिए एक बात बता रहे दूध उबल रहा है, दूध नीचे गिर जाएगा, एक बात बता रहे तो सास कहती है ना जो आपने दूध गिरा दिया, माँ अपने ऊपर लेती थी जो मेरे से गिर गया, ये हम 2-3 बार देखे हुए हैं रांटी में, जो मेरे से गिर गया, जो क्यों बहू को ना कोई कुछ बोले, वो इस तरह की थी। और इतना सहन शक्ति हर चीज में, अगर कोई दो बात बोल भी देगा तो कहती थी कोई बात नहीं है, वो बोल दिए तो बोल दिए, तुम नहीं बोलो। बहुत सहन शक्ति, हम लोगों में थोड़ा सा भी हो जाए तो अपने आप को भाग्यशाली मानते। माँ में जैसे माँ मजाकिया भी थी, मजाक भी करती थी, चंचल भी थी, मगर माँ में एक ये भी था जो जैसे बच्चे नहीं कुछ बोल करके एकदम शर्मा जाता है, माँ उस तरह की भी स्वभाव की थी, जैसे कुछ बोल दिया एकदम झिझक सा हो गया, जो इतने लोगों के बीच में वो चीज नहीं बोलना चाहिए, माँ इस स्वभाव उनका भी था,
एक बार की है जो हमारी बहू ज्योति नई नई शादी होकर के आई थी, चंदन चला गया था हैदराबाद, तो बहुत सारे लेडीज थे, 5-7 थे, हम बालभवन में थे, तो माँ कुछ ऐसे ही मजाक ज्योति से कर ली, फिर वो एकदम से सियरची गई जो वो ये मजाक हमने कैसे कर लिया, बच्चों जैसे नहीं होता है, तो एकदम से वो हो गई। माँ ने ज्योति से कहा जो तुम इतने उदास बैठी हो, राम चले गए, राम चंदन के लिए कहा राम चले गए हैं वनवास वहां हैदराबाद, तो तुम इतने उदास होकर के बैठी हो, न सिंगार करती हो न कंघी करती हो, क्यों नहीं करती हो? तो एकदम माँ को लगा जो ये चीज, तो ज्योति एकदम, ज्योति भी शर्मा गई जो मानिएगा, तो माँ भी शर्मा गई जो ये चीज बोल करके। माँ और दुलारी का तो माँ बेटी जैसा संबंध है। माँ को हम कहते थे माँ, हम और हमारा भाई जो है, हम तो दिल्ली रहते हैं, बहू तुम्हारी दिल्ली रहती है, दुलारी तुम्हारी बहू है, बेटी है, बेटा है, सब कुछ है, उस जन्म का सब कुछ है ये तुम्हारा ये। और इतना सेवा, इतना सेवा हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हम तो कभी कभी दुलारी को कहते रहते हैं, माँ को भी कहते थे, माँ इसका कर्ज तुम कभी नहीं उतार पाओगी। तो एक दिन दुलारी कही नहीं नहीं ये कर्ज नहीं है, और माँ ने जो इतना मुझे पेंटिंग सिखाया, आज जो हमारा इतना नाम है, नहीं तो हम तो छोटे जात के हैं, हमें कौन पूछता, कौन पूछता मुझे, तो माँ ने ही सारा इतना सिखाया। और अपने पास रह करके अपने घर में, दुलारी कहती है कौन किसको इतने बड़े घर में रहने देते हैं, और माँ दुलारी को एक बेड पे माँ सोती थी पलंग पे, और दूसरा चौकी जो था उस पे कहती दुलारी तुम यहाँ सो। दुलारी को थोड़ा सा भी सिर में दर्द हो जाता था, अभी भी दुलारी कहती है रोने लगती है, तेल ले करके उसके सिर में डालने लगती थी। एक दिन दुलारी कह रही थी जो मुझे ठंड तो लग ही नहीं रहा था, और वो एक चादर ओढ़ा दिया मुझे, नहीं नहीं तुम्हें ठंड लग रही, क्योंकि माँ को ज्यादा ठंड लग रहा था। बाद में माँ को 2-3 साल थोड़ा सा तबीयत जो खराब रहा, तो माँ को ठंड लगने लगा, तो उसको ओढ़ा दिया। तो इतना प्रेम था दोनों में। दुलारी तो माँ बहुत सेवा की, उसका तो हम लोग कभी क्या बोले, उसका कर्ज नहीं चुका सकते हैं इतना, उसका तो कोई कुछ, हम उसका कुछ बोल ही नहीं सकते हैं जितना उसने किया है माँ। माँ से बहुत सब प्रेम करते थे, जैसे छोटे जात हो, बड़े जात हो, कोई भी बच्चा हो, बूढ़ हो, जब सब माँ को बहुत याद करते थे, बहुत ज्यादा। माँ जब बीमार हुई तो सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे जो इनको ठीक कर दीजिए, नहीं तो मुक्ति दे दीजिए, हमसे ज्यादा वो लोग करते थे। सब बहुत रोए माँ की जो डेथ हो गया, तबीयत खराब हो गया, तो बहुत दुख हुआ। सब कहते थे, एक बहुत कलाकार तो थी ही, मगर कलाकार के साथ साथ स्वभाव, नेचर बहुत ही अच्छा। माँ चुपके चुपके से दुला गुस्सा होती थी, हम भी चुपके चुपके से सबको पैसा देती, कहती थी कोई बात नहीं है, देना चाहिए, ये हमारा उस घर में रखा होगा, भगवान के घर में रखा रहेगा।